नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के हमारे से बुलेटिन। अपना उत्तर प्रदेश में पहली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां पर आपको बता दें कि एमएलसी का दौरा किया गया है। इस दौरे के बाद ही आपको बता दें कि इस दौरे के बाद कई तरह की यूपी में समाजवादी की बयार चल रही है। जिला पीलीभीत पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी आनंद भदौरिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बयार बह रही है और बीजेपी को मालूम हो गया है कि वह जा रही है। एमएलसी आनंद भदौरिया ने कहा कि मैं खुद हूँ पूरे प्रदेश में जगह जगह गया और साथ ही समाजवादी पार्टी को लगातार बढ़ते हुए देखा है। उन्होंने मथुरा मुद्दे पर भी कहा कि आदमी बुरे में भगवान को याद करता है, ऐसे में बीजेपी का बुरा वक्त आ गया है, इसलिए बीजेपी सरकार संकट में भगवान को याद कर रही है। भगवान को कोई कब याद करता है? जब दुख में और परेशानी में होता है। अब भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर, महंगाई पर, कानून व्यवस्था पर जब जवाब नहीं मिल पा रहा है, जब संकट में है, तो भगवान को याद कर रहे हैं। अब चला चली की बेला। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था। तो वहीं ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद के सिरसियागंज पहुंचे थे, जहां डिप्टी सीएम ने सिरसियागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज में 661 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग और राजकीय निर्माण सेतु निगम की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है और उसके बाद विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा है और साथ ही अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शहीदों के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा के शहीद के घर गए थे, जहां शहीद के घर जाकर के केशव प्रसाद मौर्य ने शहीद के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। आपको बताते चले कि सीडीएस विपिन रावत के साथ ही हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी सवार थे, उनका भी इस हादसे में निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे देश में गम का माहौल है। लोग सभी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। डर पृथ्वी सिंह चौहान जो आगरा के, आइए मंत्री जी आ जाओ, हमारे विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जो आगरा के निवासी भी थे, उनके साथ साथ सेना के, हमारे तीनों सेनाओं के जो सीडीएस के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जनरल बिपिन सिंह रावत और अन्य 13 सैनिकों का देश की सेवा करते हुए कल सर्वोच्च बलिदान के समाचार से देश भी स्तब्ध है, हम लोग भी स्तब्ध हैं। अभी परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए गए थे और जो मेरे कार्यक्रम आगरा में थे वो सारे कार्यक्रम आज रद्द कर। तमिलनाडु के कुन्नूर हादसे में कई जवानों ने अपनी शहादत दे दी है, कई जवान शहीद हो गए हैं, उनमें सीडीएस विपिन रावत भी शामिल थे। उनके साथ ही पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए हैं, जो कि आगरा के रहने वाले थे। आपको बताते चले कि वायुसेना पृथ्वी सिंह के युद्ध कौशल की कायल थी। शहीद पायलट पृथ्वी सिंह चौहान न्यू आगरा के रहने वाले थे और साथ ही उनके निधन के बाद शहीद पृथ्वी सिंह के निवास पर हजारों की संख्या में रिश्तेदारों और क्षेत्र की जनता एकत्रित हो गई। पृथ्वी सिंह चौहान 4 बहनों के बीच में एक अकेले भाई थे, जिनको सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। जो पृथ्वी सिंह खत्म हुए उनके चाचा हैं, यशपाल सिंह मेरे साथ बचपन से पढ़े और बचपन से मेरा इस परिवार में आना जाना रहा है। तो जब मैं यहाँ आया तो बड़ा गमगीन माहौल है बहुत ज़्यादा, और हम सब लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि ये खबर झूठी निकले और पारिवारिक स्थिति में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और पृथ्वी सिंह बहुत ही हुनर लड़का था, चूँकि मैंने बचपन से यहाँ आया हूँ तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा था।
माघ मेला आने वाला है, ऐसे में उनकी तैयारियां भी जो कि शुरू हुई थी ऐसे में वो तैयारियां अब सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना का प्रभाव भी है एक तरफ यहां पर, वहीं दूसरी ओर ये जो दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षण ने भी इसको लेकर के सुस्त पड़ती हुई तैयारियों को लेकर के कड़ी नाराजगी जताई है, जिसके बाद डीएम प्रयागराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले के काम युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चले कि प्रयागराज में संगम की रेती पर हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार माघ मेले की तैयारियों को देख करके ऐसा लग रहा है कि समय पर मेले की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाएगी। संगम क्षेत्र में देर तक गंगा और यमुना नदियों में पानी ठहरे रहने की वजह से जमीन कम पड़ गई है। हर साल जहां पर 650 हेक्टेयर में मेला बसता था, तो वहीं इस बार 580 हेक्टेयर में ही 5 सेक्टरों में मेला बसाया जा रहा है। शिविर होते हैं, खाक चौक है, आचार्य बाड़ा है, गर्मी बाड़ा है, सभी जगह के महाराज जी, महंत जी और साधु महात्मा शामिल हुए, हमारे सारे ऑफिसर शामिल हुए हैं, सिविल डिफेंस के ऑफिसर शामिल हुए हैं और पब्लिक के भी सम्मानित गण जो इस समिति के सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। तो मुख्य जो हमारा स्नान प्रारंभ हो रहा है वो 14 जनवरी से हो रहा है और इसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान और माघी पूर्णिमा का स्नान, ये हमारे मुख्य स्नान रहेंगे। 3 मार्च को अंतिम स्नान रहेगा महाशिवरात्रि। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।